हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू केमिकल साइंस बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर इनऑर्गेनिक का पेपर है 2016 का ठीक है तो फर्स्ट पेपर जनरल एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री तो पिछले भी कुछ क्वेश्चंस पेपर हमने डाले थे आई होप सो आपने देखे होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे उसमें से तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर को देखते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वट आर फ्री रेडिकल्स हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल्स ठीक है दैन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक लिगेंट्स फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ ट्रांजिशन मेटल्स ठीक है लिगेंट्स आपको दे रखे हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ uh, के साथ कौन से ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे आपको बताना है गिव बेसिक यूनिट ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट्स ठीक है पायरोसिलिकेट uh, फायरोसिलकेट uh, और थ्री डायमेंशनल सिलिकेट ठीक है दैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ठीक है एक कोऑर्डिशन कुछ कंपाउंड दे रखे हैं आपको इनके आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं मेटल कार्बोन कंपाउंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्ले एंड पिलर पिलरेड क्ले ऑन द बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट दैन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंडस डू नाट ओबे एटीन इलेक्ट्रॉन रूल ठीक है एटीन इलेक्ट्रॉन रूल को लगा के देखना देन राइट न एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड एलाइल ठीक है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मेटल एल्कॉक्साइडाइन होमोजिनस कैटलिस्ट एंड डिफाइन द टर्म फ्लक्सिलिटी ठीक है बच्चों ये क्वेश्चन पिछले तीन चार सालों में लगातार आ रहा है देन फ्रीडिकल वाला क्वेश्चन भी जो है बार बार पूछ रहा है तुमसे एट्टीन इलेक्ट्रॉन रूल बार बार पूछ रहा है ठीक है और सिलिकेट्स के बारे में बार बार पूछ रहा है तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि इसमें एक ये क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया है जो फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है ठीक है तो आपको इन क्वेश्चन को एटलीस्ट छोड़ के नहीं जाना है इनको तो पढ़ के ही जाना है ठीक है देन एनी टेन पार्ट्स आर टू बी अटैम्प्ट ईच पार्ट कैरीज थ्री मार्क्स तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट आर नोट ऑन करैक्टराइजेशन ऑफ क्ले देन डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ मेटल मेटल बीटा डाइटोनेट्स डाइगिटोनेट्स then discuss the kinetics of free radical reactions also define chain length of a free radical reaction okay then what are aluminum silicates? discuss chemistry and applications of field, fields pass okay then discuss about the stability of transition metal alkyls what are organometallic compounds classify them discuss dynamic equilibrium in the eta 3 allyl complexes okay then write a note on metal uh, cyclobutadiene complex discuss bonding in metal alkene uh, complexes write a note on oxidative addition reaction then give an account of chemistry of cycloheptadienyl metal complex okay? then what are uh, what are the factors affecting stability of main group organometallic compound explain with examples then Arrange the following organometallic compounds in increasing order of their stability and also give the reason metal alkylene, alkynyl and metal alkynyl are metal aryl. Okay? Then write a note on metal compounds with bond to hydrogen. Then small molecules can be activated by coordination. Justify this statement. यस yes, तो ये सेक्शन बी था फिफ्टीन क्वेश्चन यहाँ पे थे बच्चों जिसमें से आपको कोई भी टेन अटैम्प करने हैं देन सेक्शन सी में चलते हैं तो सेक्शन सी में जो आपको क्या रखेगा एनी टू पार्ट्स आर टू बी अटैम्प्टेड ईच पार्ट कैरीज फिफ्टीन मार्क्स देन फर्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट नोट ऑन राइट नोट्स ऑन द ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इन मेटल एल्किन कॉम्प्लेक्सेज मैकेजम ऑफ ऑक्जोरियक्शन केमिस्ट्री ऑफ जियोलाइट्स ये क्वेश्चन भी बच्चों रिपीट हो रहा है बार बार जियोलाइट्स वाला देन ब्यूटाडाइन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ आ मेटेलोसिन फॉर्मड एंड अरेंज दीज मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी गिव टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग मेटेलोसिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम ओ ई डी देन ठीक है कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको बताएंगे देन डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ एन एच फ्री रेडिकल इन डिटेल इंक्लूडिंग प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड मैथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन देन डिफाइन द टर्म क्ले क्लासीफाई इट वट आर द डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ क्ले डिस्कस इन डिटेल ठीक है ये क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट में भी आया है ठीक है क्ले के बारे में शॉर्ट में ही पूछा हुआ है और यही क्वेश्चन फिर आपको फिफ्टीन मार्क्स में जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है यस yes? ठीक है तो समझ में आया आपने ये क्वेश्चन पेपर देखा बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हर साल रिपीट हो रहे हैं आप इनको क्वेश्चन पेपर डालने का बच्चों यही एम है मेरा कि आप जो रिपीटिंग मोड वाले क्वेश्चन हैं आप उनको पहले से सिलेक्ट कर लें और एटलीस्ट उनको सब प्रिपेयर करें अच्छे तरीके से ठीक है और वैसे तो आपको सभी पढ़ने हैं बट जो क्वेश्चन आपको कन्फर्म हो रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहे हैं फ्रिक्वेंटली कॉन्जिगटिवली तो आपको उन्हें तो एटलीस्ट पढ़ना ही है यस yes? चलिए ठीक है मिलते हैं फिर बच्चों हम लोग नए पेपर के साथ तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर कीजिए